हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष शुरू हो गया है। इस उत्सव का शुभारंभ गेयटी थिएटर में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस उत्सव में देश विदेश से करीब 425 साहित्यकार, लेखक और जाने माने विद्वान भाग ले रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ये उत्सव हो रहा है। केंद्रीय राज्य संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लेकर विस्तार से जानकारी दी। साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय का पहला ऐसा अवसर है जब इस रूप में हम सब मिल रहे हैं। पूरे देश भर के साहित्यकार तो हैं ही, विभिन्न वर्गों के साहित्यकार भी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ किन्नर समुदाय के भी साहित्यकार हैं, आप देख रहे हैं यहाँ आदिवासी समुदाय के भी साहित्यकार हैं। करीब 425 के आसपास साहित्यकार, 60 भाषाओं के साहित्यकार यहाँ आए हैं, 15 देशों के साहित्यकार, दूसरे देशों से भी साहित्य, जो हिंदी या हमारी दूसरी भाषा तेलुगु, हमारी तमिल, गुजराती या और कोई हमारी अवधी या बंगाली, जिस भाषा को भी वो प्रमोट कर रहे हैं वहाँ, पंजाबी, गुजराती, कोई भी भाषा हमारी जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं विदेश में, ऐसे साहित्यकार भी 15 देशों से यहाँ आए हैं। तो ये बहुत बड़ा, आपने सही कहा कि मंथन होने वाला है, साहित्य को दिशा मिलने वाली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हम 2047 जब ये देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, 100वां वर्ष, तब साहित्य के क्षेत्र में हम कहाँ तक पहुँचे, ऐसा रोड मैप भी तैयार होगा इस सम्मेलन से। तो मैं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है उसको शुभकामनाएं देता हूँ। जो साहित्यकार आए हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो मंथन करेंगे निश्चित रूप से और मंथन से अमृत निकलेगा। हाँ, हम प्रतिवर्ष करने का हम एक प्लान कर रहे हैं संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि साहित्य अकादमी वैसे इंडिपेंडेंट एक अपनी बॉडी है लेकिन उसका प्रशासनिक मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय ही है। तो हम दूसरे राज्यों के संस्कृति मंत्रियों से, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी से, उनके मुख्यमंत्रियों से बात करके स्थान भी तय करेंगे, एजेंडा भी तय करेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।